राधे राधे। तो आज हम करने जा रहे हैं 24 आवर्स इन कार चैलेंज। तो ऐसा कोई चैलेंज करने का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन ये जो कैमरे के पीछे लोग हैं ये मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि ऐसे चैलेंज करने के लिए। तो ये रही हमारी चमचमाती हुई कार जिसमें हम 24 घंटे बिताने वाले हैं, और समय देख लेते हैं कितना टाइम हो रहा है, 11:30 हो रहा है अभी, और हम भी स्टार्ट करेंगे अपना चैलेंज 12 बजे से। तो आइए चलते हैं कार के अंदर। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने कार के अंदर और काफी ज्यादा गर्मी है, ठंड लग रहा है बहुत ज्यादा। तो हम लोग के पास सिर्फ 15 मिनट है और सब लोग जाएंगे अपने अपने घर और जो भी जरूरी काम है, जरूरी समझ रहे हो ना, जरूरी सामान है, जरूरी काम और जरूरी सामान जितने भी हैं। 24 घंटे आप लोग को रहने हैं, तो समझ सकते हैं आप लोग को क्या क्या चाहिए। तकिया से लेके बिस्तर, बेड, बेड तो नहीं है, जगह तो कंफर्टेबल हो तो बेड भी आ जाएगा। तो ये सब लाने हैं, फटाफट से लेके आते हैं अपना अपना सामान, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज। A few moments later. तो हमने अपने 24 आवर्स चैलेंज स्टार्ट तो कर दिया है और सामान वगैरह भी ले आए हैं, लेकिन किसी ने तेल के बारे में ना सोचा ना तेल को देखा था कि तेल बिल्कुल नहीं है गाड़ी में। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे टंकी और तेल डलाएंगे। बहुत देर से हम लोग खड़े हैं, लेकिन ये भाई इतने का डलवा लेगा तेल कि सालों साल इसका तेल चले, इतने डलवाने वाला। 3000 का ये डलाया है तेल और हम लोग को डलाना 300 का। इतनी गरीबी है, लेकिन क्या करें भाई, ऑनलाइन। भैया चेक कर लीजिए भैया। तो हम लोग पेट्रोल वगैरह डला लिए हैं और आ गए हैं चिनर से सीधा सपना लोग, और गाड़ी चलाते हुए हमको समझ नहीं आ रहा यार करें क्या। हमें चाट वाला लगा है यहाँ, कुछ खाने को मन हो रहा है, क्योंकि जो है हम लोग गाड़ी में घूमते घूमते परेशान हो गए हैं, लेकिन हम लोग निकल नहीं सकते। और वो चाट वाट खाई जगह है तो फिर कैसे लोग हैं? अबे क्या है? वही बगल में लगा के गाड़ी हो गए वो तो कैसे। अब हम लोग जा रहे हैं बैक, क्योंकि हम लोग का मन लालच में हो गया है और जा रहे हैं चाट खाने। शाबाश, हम लोगों ने देख ली बतासे, बतासे खा नहीं पाएंगे, बतासे के लिए हम लोग को उतरना पड़ेगा और ये हमारे बतासे खाएंगे। नहीं उधर नहीं पाओगे, वहीं पे नहीं, नहीं लाइन ही पाएंगे अंकल, तो अंकल को दिक्कत हो जाएगी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं खाने। अंकल की है कैसे? 15 की एक है गाइस, एक बना दीजिए। पहले हम टेस्ट करेंगे, आगे लगा लो, आगे लगा। लेकिन अंकल सुनिए, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बोल दे रहा हूँ, इनको अंदर ही देना पड़ेगा। और 5 मिनट हो चुका है, पता नहीं अंकल बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक बार भैया देख लो, देख लो, नहीं तो खड़े रहेंगे हम लोग। आ नहीं रहे अंकल, लेके आ रहे, बोलो तुम। 5 मिनट रुक जाओ, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अच्छा बना रहे हैं, गाय पीछे कर लेना हो गया, अभी गैस पका रहे हैं अंकल। अबे भैया बन गया, दे देंगे अंकल यहाँ तक। अंकल जी हम लोग कार से उतर नहीं सकते, अंकल उतर नहीं सकते ना, दिक्कत ही चप्पल नहीं पहने। एक जगह ले आई, एक जगह, चलो आगे। क्या हमारी टिक्की आगे की नहीं, आगे, आ तो आगे, गया आगे। है, लेकिन शिवम ने दिया है 50 रुपए और अंकल वापस देंगे। अबे अंकल आएंगे अंकल आ रहे हैं पैसे देने के लिए। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। चिम्मच नहीं था अंकल से ना हमने मांगा। So guys, इतना ज्यादा मैं बोर हो रहा हूँ ना यार, कहने को भी बस आसान है यार, इतना डिफिकल्ट है,
हमको अच्छा नहीं लगा, मेरा मन कह रहा है कि उतर जाओ थोड़ा गाड़ी से, तुम लोग का मन नहीं हो रहा बहुत ज्यादा अजीब हो गया। ऋतिक को देखो, टाइम देखो यार, 5 बज के 16 मिनट हो गया है और अब जो है यहाँ पे काफी देर हम लोग लेटने सोने, तो चलते हैं मोहल्ले की तरफ। देखो ये हमारा पिंटू जा रहा है कोचिंग से, कोचिंग जा रहा है कहाँ पिंटू यार, बाल कटाने जा रहे हैं। अरे वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ पिंटू, चलो एक मेंबर और जुड़ गया हम लोगों में। कहां गए? अब इसको निकल ले, मैं इसको निकल नहीं पता लेकिन वो चैलेंज कर रहा है 24 घंटा वाला। अब तुम भी जुड़ चुके हो पिंटू, हम भी जुड़ गए, अब जाओगे नहीं। जितने लोग मिले अपने दोस्तों में उनको इसमें बैठा लो, कह दो जाने नहीं देंगे। कोचिंग से अभी आया हूं, बाल कटाने आए। हां हां चलो जो चला जाए, बाल कटाना है ये, यही पिंटू बाल कटाएगा। सिर्फ एक ही बंदा है पिंटू, बताओ चलना है? चल देते हैं यार, जब एक ही बंदा भाई, देर भी हो रही है, हमको जल्दी कट जाए। ये देखो भैया बाहर है, बाहर सर जी हमारे लौंडों में एक बाल काटना, जाओ जाओ पिंटू काट दो, हम यहीं बैठे हैं। तो पिंटू गया, और काफी अंधेरा होने लगा यार, जो बाल कटाने उसको फिर से वापस नहीं आ सकते, चौबीस घंटा इसी में रहेंगे। सब चलो चैलेंज के बारे में 2 दिन लोगों को पता चल रहा है। कोई बात नहीं। सो दोस्तों काफी ज्यादा टाइम हो गया है और हमको लगता है कि 1 से 1.5 घंटा लग गया पिंटू को कटा। चलो बाल सही कटा, आ जाओ भैया जल्दी जल्दी आओ यार, भाई बहुत गर्मी लग रही है यार पिंटू, वहां देखो हालत। अरे बाप रे, समझ रहे हो तुम, आओ जल्दी बैठो, गर्मी लग गई है बाप। अरे बाप रे बाप, कट गया अच्छे से बिल्कुल, देखिए देख रहे हो पिंटू गर्मी, देखो हम लोग की साइड साइड हो। अबे वाह बे सही कटा है भाई, बहुत क्लास हीरो। अभी तो चलो भाई वाला बच्चा है अपन, ये करो पिंटू तो सही लग रहा है भाई, पिंटू छोड़ दिया, घर जाना है अभी, घर जाना है तुमको, पिंटू छोड़ दिया, चलो पिंटू को घर छोड़ते हैं। चलो हम लोग आ चुके हैं नितेश के घर, चलो पिंटू भाई अलविदा आपसे। अभी तक 4 लोग थे, थोड़ा सही लग रहा है, कितने देर था वैसे पिंटू, लेकिन पिंटू का बाल कटाते हुए हमारे काफी ज्यादा टाइम निकला, तो उसके लिए धन्यवाद आपको कि हम आपने हमारा टाइम खाया। कल मिठाई खिलाएंगे, जाओ बिल्कुल बिल्कुल, बाय 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 पिंटू, सो गाइस हम आ चुके हैं अपने मोहल्ले के पानी टंकी पे, ये रही हमारी पानी टंकी और यहाँ पे रुके हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से पास ही में पड़ता है वैभव एकेडमी जिसमें ओजस पढ़ता है, तो इसलिए हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि अभी आंटी को मैंने कॉल किया था और आंटी ने बताया है कि अभी शायद आधा 1 घंटा लगेगा तो प्रोग्राम खत्म होगा तब खाना पीना स्टार्ट होगा, तो हमने बोला है कि जब खाना पीना स्टार्ट हो जाएगा तब बता दीजिएगा तो हम लोग आ जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं ओजस के स्कूल पे, अब ओजस की मम्मी को कॉल कर रहा हूँ, तो ओजस आए भाई तो कुछ भोजन हो, तो हम लोग आ चुके हैं यहीं। अरे फोटोग्राफ के लिए बुला रहे हैं, खाने के लिए यार, आंटी हेलो टीचर, ओजस तुरंत आया, कह दीजिए ऋषभ भैया बात करेंगे, हम यहीं आ चुके हैं। ओह गाइस यहाँ पे कुछ नहीं, तहरी मिल रही तहरी, और तहरी के लिए हम लोग 2 से 2.5 घंटे आज पानी टंकी पे खड़े रहे। गाइस यहाँ पे देखो ये है स्कूल ओजस का और यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे टीचर्स लोग अपना फोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं, सब बात कर रहा है ओजस से, ओजस यहीं कहीं है बस देख नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आ गया ओजस, आ गया। तुमको फोन कर रहे कितने देर से, तो फोन उठा रहे हो क्या हुआ? तुम जानते हो कार में से मैं निकल नहीं सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं उठाए फोन? बताओ कुछ क्या है बाबू, और कुछ है, और कुछ है, क्या करोगे और कुछ है, गला बैठ गया बेचारे का,
बस ले आओ थोड़ा सा तैरी चटनी मिल जाए तो हम लोग इम्प्रूव हो जाएंगे और घर चलो बैठो। बोतल पकड़ लो। हां बोतल लो। तैरी बढ़िया लेके आना। याद आया वो जस अब नहीं है। और सुनो चल लो ना घर। या यार इनको छोड़ देंगे अब खा लेता हूं पहला पहली बाइट। सही है। अच्छा बता के भूख लगी पूरी हो। कहां गया वो जी? चलो भैया अब कैमरा में बंद करता हूँ क्योंकि खाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है टेक नहीं पड़ेगा बेटा। ओजू को ले लिया हम लोगों ने और आंटी बाद में आएंगी। आंटी भाई थोड़ा बाद में आएंगे। हाँ अपने मित्र के मित्र मंडली के साथ आएंगी बाद में। और इतना देर खड़े रहने के बाद हमें मिला क्या खिचड़ी और चटनी चटनी भी नहीं रहा जिससे हम बहुत खुश हैं। ऐसी बात है भाई। चलो हम चलते हैं घर पे ओजू को छोड़ने क्योंकि हम लोग तो बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो ओजस को हम लोग ने घर छोड़ दिया है और हम लोग चलते हैं मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग अच्छा खासा अपना टाइम मतलब व्यतीत कर सके। और जो है कि रात हो रही है 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है तो धीरे धीरे जो है चर्च रोड वगैरह सुनसान हो रही है। और चर्च रोड पे क्या रहेगा कि लोग कम आए जाएंगे और यहाँ पे एक स्कूल है तो हम सोच रहे हैं कि रात जो है हम लोग यहीं पे बिता लेंगे। ज्यादा सही रहेगा जहाँ पे सुनसान रहेगा वहीं सही रहेगा। कम लोग रहेंगे तो सही रहेगा। सोने वोने में आसानी होगी और हम लोग को कंफर्टेबल रहेगा। नहीं तो पता चले 20 लोग आ जा रहे हैं बगल से घूरते हुए। अरे सो रहे हो प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। सो गाइस हम लोग चर्च रोड पे आके रुक चुके हैं और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस रही है कि जिसको भी 24 घंटे रहना तो ठीक है लेकिन हमको लग गई बाथरूम। अच्छा सबसे मेन बात है तो भाई अब ये नेचुरल चीजें तो रोक सकते नहीं है तो इसके लिए हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। और प्लान क्या कर रहे हैं बताओ भैया। देखो हम लोग खेलेंगे गेम। ठीक है मतलब क्योंकि 24 घंटे हर चीज तो हम कार के अंदर कर नहीं सकते तो हम लोग गेम खेलेंगे उसमें मतलब जो हम लोग की इम्पोर्टेंट चीजें हैं मतलब जो हमें करना ही करना है भाई। ठीक है तो वो हम उसमें डाल देंगे पर्ची में। ठीक है जिस बंदे को जाना है तो उस बाउल से वो पर्ची निकालेगा। ठीक है अगर मतलब ठीक है अगर जैसे उसे जो चीज उसे जाना है वही पर्ची निकल गई तो ठीक है लेकिन भाई मतलब उसका बैड लक हुआ कुछ और निकल गया तो उसको चीज माननी पड़ेगी। ठीक है क्योंकि फिर मानना पड़ेगा याद रखना सबको अगर निकल गया तो यही सब है। तो चलो फिर जल्दी से हम लोग पर्ची बना। सो गाइस हमने जो है अपनी चिट्स वगैरह बना ली है। हाँ हाँ से कर दो कि ऐसा ना हो कि हाँ देखा हो आदमी तो वही निकल जाए तो कुछ भी निकल सकता है। फर्स्ट ट्राई सब करेगा देखते हैं इसके में क्या निकलता है। बाथरूम लगा है कोई निकालो एक। ठीक है और जो भी निकाले चीटिंग नहीं होगी। ठीक है कैमरे में दिखाया जाएगा। ठीक है उतना क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन हल्का फुल्का तो दिखेगा। खाली निकल गया कुछ ब्लैंक है कहीं नहीं जाएंगे इनको जो करना यही करेंगे। यार देखो पहला ही ब्लैंक निकल चुका है तो फिर सोच समझ के निकाल अभी जाना है अभी नहीं जाना अभी नहीं अगर हम लोग को जाना होगा तो हम लोग भी यूज करेंगे। और देखो कितना भाई कुछ दिख ही नहीं रहा यार मतलब हल्की हल्की ठंडी है यार। जहाँ पे हम लोग सोएंगे तो यहीं पे पास ही में एक स्कूल है वहाँ पे हम लोग सोएंगे तो चलते हैं वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो गाइस ये रहा हमारी लोकेशन ये रहा स्कूल। और दिक्कत एक है कि हम लोग बहुत कुछ नहीं खा पाए हैं। तहरी खाए थे और थोड़ा बहुत इधर उधर खाए हैं चाट वाट खाए थे तो लग गई है भूख। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ऑर्डर करने वाले हैं ऑनलाइन पिज्जा। तो स्वयं ऐप डाउनलोड करो फटाक से डाउनलोड कर रहा है लेकिन दिक्कत ये सिचुएशन थोड़ा जगह होगा दिक्कत है कोई दिक्कत बंदा डर के भाग ना जाए। हाँ यार ये बस प्रॉब्लम है दिक्कत यही है भाई इस लोकेशन पे मंगाएंगे और उतरेंगे नहीं भाई कार में ले जाओ तो दिक्कत ये है कि बंदा है कंप्लेन कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी लेकिन ठीक है कोई बात नहीं फटाफट से डाउनलोड करो कौन सा और कौन सा स्विगी जोमेटो कोई भी करो और मंगाते हैं पिज्जा फिर देखते हैं कि जोमेटो वाले भैया का क्या रिएक्शन रहता है। तो हम लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं यार अपने पिज्जा का और लगभग 30 से 35 मिनट जो है ये राइडर लगा दिया है और अराइव दिखा रहा है। देखो सिर्फ दो मिनट बचे हैं लिखा है आउट फॉर डिलीवरी विमल कुमार। गाइस जो हमारे राइडर हैं भाई साहब वो शायद आ चुके हैं पीछे खड़े हैं। कॉल करो इनको कॉल करो। आ गया कॉल खुद ही कॉल आ गया भैया कार है। हेलो
हेलो भैया, आगे आइए, देखिए सामने कार दिख रही है इस साइड गली में। थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया। चलो गाइस, अब चुका है हमारे भैया। सोची क्या रहा था, फटाक से पकड़ा है, फटाक चला के खुल गया। सिमसिम भैया, ये देखो ये पिज्जा कौन सा है, अनियन और अनियन और कैप्सिकम पिज्जा आया है, तो टेस्ट कर। यो यो गाइस, ये रहा हमारा पिज्जा। चलो पिज्जा खाए हम लोग, हो गया। सो गाइस, फटाफट ये अपना पिज्जा फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग सोएंगे। नींद नहीं आ रही यार गाइस, अजीब सा हो रहा मेरे पेट में एकदम, क्योंकि सही से जो है पोजीशन से सो नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है कि पेट वेट में इतना दर्द होने लगा है। क्या करें, टाइम कितना हुआ, रात के बजे हैं 3, हालत खराब, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है, पेट में अजीब सा हो रहा मेरे। स्टार्टिंग फेज देखोगे और अभी का फेज देखोगे तो बहुत अंतर दिखेगा। शुरुआत में काफी मजा आ रहा था, लेकिन जितना करीब हो रहा 24 घंटा हालत खराब हो जा रही है यार। तीन बज रहा है गाइस, क्या करें, कहीं चला जाए क्या? इस टाइम तो कहीं चाय वाय तो खुला नहीं होगा, ऐसे में कुछ नहीं खुला होगा, सब अपने अपने घर पे सो रहे होंगे। वही चलते हैं, फिर जगह चेंज करते हैं अपने, क्योंकि आधी रात निकल चुकी है बाहर, थोड़ी सी जगह चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। कहाँ चला जाए, चलो कहीं इधर उधर। सो गाइस, हम लोग जो है आए थे चाय की तलाश में डीके मैरिज लॉन, और डीके पे भी अभी कोई शॉप नहीं खुली है चाय वाली, या रास्ते में भी कोई नहीं खुली थी, तो हम लोग सोचे कहीं रुकते हैं। रुके 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 1.5 घंटा लगभग हो गया है और अभी तक कोई नहीं शॉप खुली, लेकिन ये है कि अब लोग दिखने लगे हैं, आ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद चाय की दुकान खुल जाए यार, तो चाय पी लेंगे तो उससे थोड़ा फ्रेश आए होगा, क्योंकि पेट में जो जलन है वो खत्म ही नहीं हो रही है मेरे हिसाब से, तो खाना वाना शायद सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि इसी में मिलते रह गए ना हम लोग, सो तो पाए नहीं सही। गाइस, तो हम आ चुके हैं सेक्टर 8, क्योंकि जहाँ पे डीके पे खड़े थे वहाँ थोड़ी देर खड़े थे, उसके बाद जो है ट्रक वगैरह आने लगी, तो ट्रक जो है पूरा इतना पतली गली है वहाँ, तो पूरा एरिया लेके मोड़ रहा था, तो कह रहा था भैया हटा लो, तो हटा लिए, और उधर चाय वाली दुकान नहीं खुल रही थी, हम सोचे सेक्टर 8 चले आए तो यहाँ खुली होगी, और यहाँ तो यार ज़्यादा माहौल बढ़िया लग रहा है, देखो सब लोग आ गए, सफाई फाई हो रही है, चल रही है, और एक दुकान यहाँ पे खुली है, शिवम पूछो कि भैया ला के देंगे भैया चाय मिल जाएगी, चाय 3 दे दीजिए। अब दिक्कत ये यहाँ यही है कि 3 तो दे दिए बोले हैं, लेकिन जाना नहीं है भैया। ऋतिक चाय लो पियो भैया। चलो भाई, हमारी चाय सुबह सुबह की चाय, चाय वैसे कोई नहीं पीता हम लोग वैसे, लेकिन जो है इस टाइम चाय पीना हम लोग के लिए लग रहा बहुत जरूरी है। ठीक है, चाय है, चाय जैसी है वो, क्या इसके चाय वाय पीने के बाद सोएंगे यार, और सोएंगे कहीं पे, क्योंकि सोए है नहीं बिल्कुल भी, तो देखते हैं 1.5 घंटे और सो लेते हैं, तो सुबह हो जाएगी।
देखो हल्की हल्की सुबह, हल्की क्या पूरी सुबह हो चुकी है। 24 घंटे में से लगभग 16-16 घंटे अब हम लोग बाहर रह चुके हैं और मुझे आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग ये कर सकते हैं। अबे कुत्ते कुत्ते भाई, कुत्तों ने हमें घेर लिया है। इतनी जान यार नहीं रहे हम उनसे ज्यादा परेशान है। 16 घंटे अंदर है बस कुछ ही इसको दौड़ाना ले जाके। सो गाइस समय हो रहा है 7:42 और हम लोग अपने गली में थे। शिवम बोला था कि गली में चलेंगे और वहां पे सोया जाएगा, तो ये रहेगा कि सुबह अगर कोई उठेगा घर वाले तो देख लेंगे कि ये सब यहीं है, नहीं तो और परेशान होंगे कि रात भर कॉल तोल तो आई है बराबर कि कहाँ हो, सुबह से गायब हो। और लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था और मैं सबसे बेकार रहा ये कि गली में आने के बाद जो है सुबह सुबह मंदिर में इतने लोग आ रहे हैं सब गली वाले और देख रहे हैं जब कर कह रहे हैं। हम तो चलो अभी जाग रहे हैं तब देख रहे हैं हम लोग, और सो रहे होंगे तब देखे होंगे तो क्या कहेंगे, मतलब घर से बाहर ही सबको कर दिया गया है क्या। बताइए टाइम इतने धीरे धीरे कट रहा है ना कि मतलब क्या बताऊं, देखो आवाज ही बड़ा जा रही है। ये देख रहे हैं अब हल्की हल्की जो है धूप भी निकलने लगी है और कितने लोग यहाँ मंदिर में आए, देखो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अजीब लग रहा है कि कार में सब बैठे हैं और उसके बाद हाँ थोड़ी निकल जाएंगे और हम लोग व्यतीत करते हैं, उसके बाद जो है बाहर निकल। तो गाइस टाइम हो चुका है 10:13 और काफी धूप हो चुकी है अब, और जितनी भी घड़ियां थी सब एक मैसेज आएगा किसी को देखो मेरे में आया होगा तुम कब। तो डिस्टरबेंस हो रहा है लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है यार, 10:00 हो चुका है और अभी तक हम लोग यहीं पे हैं, तो सोच रहे हैं कि मतलब कहीं चला जाए बाहर क्योंकि अच्छा 2 घंटा अप्रॉक्स बचा है, अच्छा का टाइम है बीत चुका है और उसके बाद चैलेंज हो जाए कंप्लीट और हम लोग थोड़ा निकलेंगे बाहर। इसको बुला लो उजू थोड़ा मदद कर देगी वरना आज रह जाएंगे पानी में खत्म। आ जाओ इधर इधर। तो ओजस हम लोग के साथ जुड़ चुका है गाड़ी में 24 घंटे के सफर में, अब 2 ही घंटे बचे हुए हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सपना लोक और जितना जितना कम टाइम बच रहा है उतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि बीतने में, अब मुश्किल से 1 घंटा 10-20 मिनट बचा हुआ है और लग नहीं रहा है कि 1 घंटा, ऐसा लग रहा है कि यार पूरा टाइम ही अभी पूरा दिन। और ओजस कुछ हमारे लिए करो नृत्य वगैरह कि मेरा टाइम बीते तो। और ये जस्ट सामने वहां पे है टिक्की वाले भैया जहाँ हम लोग कल टिक्की खाए थे, और आज कल क्या था कि कल उतरे नहीं थे भैया, बोल दिए थे भैया ले आग दे दीजिए, तो आज जो है टिक्की वाले भैया से बोलेंगे कि बनाइए तो समझ जाएंगे कि आज फिर देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्या है आज तो उतर के टाइम हो चुका है। ये तुम लोग देखो बस सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बाद हम लोग का भाई जो भी है चैलेंज वैलेंज सब खत्म और सब्र का बार टूटने वाला है और हम लोग गाड़ी अपनी बढ़ा रहे हैं उन अंकल के पास। यही लगा लेते हैं, यही लगाओ, यही लगाओ, यही लगाओ और यहाँ से अंकल को चिल्ला के बोलेंगे ओजस को भेजते हैं ना। ओजो ओजस तो जा सकता है, हमारे ओजस है गाइस, इसलिए इसका रखा गया भाई ओजो। नौकर नहीं, बस यही बात, ओजस जाके बोलेगा कि अंकल इतना बनाइए और जैसे हमारा टाइम खत्म होता है अंकल के पास चलेंगे। सो गाइस बस 1 मिनट हमारी जिंदगी बचे हुए हैं, चाबी अभी निकाल देते हैं, सब तैयार हैं, बस निकलने के बाद निकलो यार, बस 1 मिनट गाइस हो गया गाइस, 24 घंटे हम लोग के भूखे हो गए। अभी यार कामू दीख यार। सो गाइस मैं कार से बाहर आ चुका हूँ और ऐसा लग रहा है यार कि ऐसे 4-5 दिन हम कार में बैठे हुए थे और बहुत ही फ्रीली और अच्छा महसूस हो रहा है। बन गई है अंकल हमकी टिक्की? हाँ, बन गई बेटे। अच्छा दे दीजिए हम लोगों को। खाना है पैक करना है? नहीं पैक करना है अंकल, रहेगा। हाँ हाँ सब डाल दीजिए, कल हम आए थे आपके वहाँ कार में ही थे तो आपने बना के दिया था हम लोगों को। हाँ दिया था ना आपने। और कल हम लोग कार से इसलिए नहीं उतर पाए क्योंकि 24 घंटे वो कार में थे, हाँ इसी वजह से, और आज हम लोग का 24 घंटे पूरा हुआ तो हम लोग कहें कि आपके वहाँ चलें फिर से टिक्की ले लें। सो गाइस ये रही हमारी टिक्की और अब बिल्कुल भी मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि मैं घर जाऊं और मम्मी से मिलो, भाई साहब
इतना कॉल मम्मी की है ना, इतना कॉल की है कि इतना कॉल कभी की नहीं। और हमारी टिक्की भी है जो चल के हम घर खाएंगे और मम्मी को भी खिलाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो ऐसे ही अच्छे और बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। टाटा बाय।